मां कल्याणेश्वरी और गागर बूढ़ी चंडी आज मेरे लिए अवसर है इस पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने का। बांग्ला नववर्ष शुरू होने के बाद आज बंगाल में मेरी ये पहली सभा है। नववर्ष में बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। चार दोपहर मतदान टीएमसी होलो खान खान। चार दौर का मतदान टीएमसी खंड खंड हो गई। बाकी चार मोफार मतदान दीदी भाई पो टिकट कटान। बाकी चार बार का मतदान दीदी भाईपो का पत्ता साफ। पांचवें चरण के मतदान में भी कमल के फूल पर बटाने दबा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आज सुबह से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। बहुत भारी मतदान हो रहा है। मैं अब तक मतदान करने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आसनसोल हो, दुर्गापुर हो, इस पूरे क्षेत्र में बंगाल ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता बहुत पहले से है, हमेशा से है। द्वारकानाथ टैगोर जी, राजेंद्र मुखर्जी, बीरेंद्रनाथ मुखर्जी जैसे अनेक व्यक्तित्वों ने इस क्षेत्र की संपदा को देश की आत्मनिर्भरता के संकल्प रूप में आगे बढ़ाया। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, ऐसे अनेक कारखानों में यहां की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पूरे देश से लोग यहां आते हैं। आसनसोल एक प्रकार से लघु भारत है। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यहां एक मिल जाएगा। लेकिन बंगाल में जो सरकारें रही उनके कुशासन ने आसनसोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। जहां लोग चाकरी के लिए आते थे, आज यहां से लोग पलायन हो रहे हैं। मां, माटी, मानुष की बात करने वाली दीदी ने यहां हर तरफ माफिया राज फैला दिया है। आसनसोल की प्राकृतिक संपदा को लूटने के लिए कोयला माफिया, नदियों की बालू को लूटने के लिए अवैध खनन माफिया, सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए भू माफिया। साथियों, यहां सालनपुर,
बाराबनी, जमुरिया, रानीगंज, उखड़ा, बल्लालपुर से लेकर बांकुड़ा बॉर्डर तक अवैध कोयला खनन का साम्राज्य फैला हुआ है। यहां का कोयला, रेत और दूसरे खनिजों को काला माल कहा जाता है। किस किस तक पहुंचता है ये हर कोई जानता है। बंगाल के ट्रक वालों को, ट्रांसपोर्ट से जुड़े साथियों को, यहां के उद्यमियों को जो बाइपो टैक्स देना पड़ता है, वो भी बंगाल के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, इस चुनाव में आपका एक वोट सिर्फ टीएमसी को साफ करेगा इतना ही नहीं है, बल्कि आपका एक वोट यहां से माफिया राज को भी साफ करेगा। आपको पता है आपकी वोट की ताकत क्या है? आपका एक वोट पूरे माफिया राज को यहां से सफा कर देगा। ये ताकत है आपके वोट की। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? आपके खिलाफ है शिकायत? करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां दो बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबूलजी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी एक चौथाई लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दिए। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कबाड़ कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? देखिए, तभी यहां से ये माफिया राज समाप्त होगा, ये माफिया शाही तभी समाप्त होगी। और भाइयों बहनों, मैं बंगाल में जहां गया हूं, यही माहौल है। और उधर क्या है दीदी? ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है, आधा चुनाव हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन और। कोयला धुले मोयला जाए ना। भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ बीजेपी सरकार यहां आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए काम करेगी। बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। कानून के राज में
यहां नए उद्योग लगेंगे, बंगाल में निवेश बढ़ेगा, बीजेपी सरकार में हर कोई अपना काम करेगा, आपके जीवन में टीएमसी के तोलाबाजों की जो घुसपैठ हुई है उसे जीरो कर दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, अपना काम करेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभाग अपना जनसेवा का दायित्व निभाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे। प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जनता जनार्दन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात काम करेगी, और सरकार अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए काम करेगी, और बीजेपी का कार्यकर्ता मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहेगा। और इसमें जो भी खेला करने की कोशिश करेगा उस पर कानून के तहत उतनी ही सख्त कार्यवाही भी होगी। भाइयों और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है, विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की भी मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की, 2 मई के बाद नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है, और वो आपके लिए काम करेगी। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, दीदी को अगर आप लोगों के दुख दर्द की परवाह होती तो क्या वो आपकी भलाई के, आपके हित वाले कामों को रोकने का काम कभी करती क्या? करती क्या? ये रुकावटें डालती क्या? दीवार बनती क्या? दीदी को अगर आपकी तकलीफ की चिंता होती तो क्या वो तोलाबाजी होने देती क्या? होने देती क्या? तोलाबाजी होने देती क्या?
जरा इधर से जवाब दीजिए, तोलाबाजी होने देती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? सिंडिकेट को आगे बढ़ाती क्या? कट मशीन बनी वसूलने देती क्या? कट मनी वसूलने देती क्या? वो साथियों, दीदी अपने अहंकार में, अपने अहंकार में दीदी इतनी बड़ी हो गई है कि हर कोई उन्हें अपने आगे छोटा दिखता है। केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई है, लेकिन दीदी कोई न कोई कारण बताकर इस बैठकों में नहीं आती। जैसे कोरोना पर पिछली दो बैठकों में बाकी मुख्यमंत्री आए लेकिन दीदी नहीं आई। नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक हो, बाकी मुख्यमंत्री आए लेकिन दीदी नहीं आई। मां गंगा की सफाई के लिए देश में इतना बड़ा अभियान शुरू हुआ लेकिन दीदी उससे जुड़ी जो बैठक होती है उसमें भी नहीं आई। एक दो बार न आने को तो समझ में आता है साथियों, लेकिन दीदी ने यही तरीका बना लिया है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए कुछ देर का समय नहीं निकाल पाती, ये उन्हें समय की बर्बादी लगता है। और जब दीदी के तोलाबाज कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटते हैं तो वो उन्हें खुली छूट देती है। केंद्रीय टीमें चाहे सहयोग के लिए आए या फिर करप्शन की जांच के लिए, दीदी उनको रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं सेना तक को बदनाम करती है, राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाती है। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। दीदीर चोखे अहंकारेर पर्दा, दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। भाइयों और बहनों, दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि दीदी की राजनीति प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में बीजेपी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। अभी मेरी यहां ऊपर आने से पहले कई पीड़ित परिवारों से बात हुई है। दीदी की वजह से न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को खोया है, न जाने कितनी बहनें आज भी अपने भाई का इंतजार कर रही है। दीदी की निर्ममता, उनकी असंवेदनशीलता हमें कुछ दिन पहले ही फिर एक बार दिखाई दी है, सुनाई दी है। साथियों, कुछ बिहार में जो हुआ उस पर कल एक ऑडियो टेप आपने सुना होगा। वो ऑडियो टेप सुना क्या आपने? सुना? 5 लोगों की दुखद मृत्यु के बाद दीदी किस तरह राजनीति कर रही है, ये इस ऑडियो टेप के अंदर साफ साफ खुल गया है, सामने आता है। इस ऑडियो में कुछ बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए
कहां तक जाएगी आप। सच्चाई ये है कि दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। साथियों, दीदी ने बंगाल में यह हाल बना दिया है। जनता ने भी जब उनके विरोध की कोशिश की तो उसको कुचल दिया गया। बंगाल की जनता के अधिकार दीदी के लिए कोई मायने नहीं रखते। 2018 के पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल कभी नहीं भूल सकता। वर्धमान से लेकर बांकुरा, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद के लोगों को आज भी याद है कैसे उनके अधिकारों को छीना गया। आप सोचिए, बंगाल में 20,000 से ज्यादा पंचायतों में सीधे दीदी के तोलाबाजों को निर्वाचित कर दिया गया। दीदी ने इतना आतंक फैलाया कि एक तिहाई से भी ज्यादा पंचायतों में कैंडिडेट पर्चा तक नहीं भर पाए। हमले के डर से व्हाट्सएप तक पर नॉमिनेशन फाइल करने पड़े। जीत के बाद भी जनप्रतिनिधियों को पड़ोसी राज्यों में शरण लेनी पड़ी। लोकतंत्र के इस अपमान से, लोकतंत्र को इस तरह कमजोर किए जाने से सुप्रीम कोर्ट तक में नाराजगी जताई। लेकिन दीदी ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र की परवाह नहीं की। साथियों, बंगाल और भारत के लिए रॉबी ठाकुर का आदेश है, रॉबी ठाकुर का आदेश है, चित्तो जेथा भय शून्नो, चित्तो जेथा भय शून्नो, हृदय जहां भय मुक्त रहे। लेकिन दीदी का प्रयास रहता है चित्तो जेथा भय आक्रांतो, चित्तो जेथा भय आक्रांतो, हृदय जहां भयाक्रांत रहे। दीदी को इस बार के चुनाव में छप्पा वोट नहीं करने दिया जा रहा तो वो और बौखला गई है। दीदी की गुंडागिरी, मस्तानगिरी का खेला नहीं करने दिया जा रहा है तो दीदी बौखला गई है। दीदी द्वारा हर पैंतरा आजमाया जा रहा है ताकि बंगाल के लोगों को वोट देने से रोका जाए। टीएमसी द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक दीदी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खुलवा दिया है। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ आदरणीय दीदी, आप जितनी चाहे साजिशे कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए, इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल के लोगों ने आप पर अभूतपूर्व विश्वास किया था, अब वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली है बंगाल की जनता इस चुनाव में, जो आप जीवन भर घर में लटका करके रख सकती हो। कौन सा सर्टिफिकेट जनता देने वाली है? जो 2 मई को सर्टिफिकेट आने वाला है, वो सर्टिफिकेट आने वाला है भूतपूर्व मुख्यमंत्री।
यानी दीदी ये बंगाल की जनता अब आपको आजीवन एक सर्टिफिकेट देने वाली है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, लेके घूमते रहना। भाइयों बहनों, बंगाल के लोग, बंगाल के लोगों से आपकी नफरत भी महसूस कर रहे हैं। दीदी के करीबी शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों को भिखारी कहते हैं। दीदी चुप रहती है, दीदी के करीबी बीजेपी को वोट देने वालों को बंगाल से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं, दीदी चुप रहती है। किसी की दुखद मृत्यु पर दीदी की संवेदना भी वोट बैंक का फिल्टर लगा करके ही प्रकट होती है। दीदी पश्चिम बंगाल आपकी दुर्नीति से परेशान है, इतना ही नहीं है बल्कि बंगाल को आपकी नीयत पर भी शक है। इसलिए पश्चिम बंगाल के कोने से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, किच्छू नहीं तृणमूल, किच्छू नहीं तृणमूल, ए बार वोट पोद्दो फूले, कुछ नहीं अब तृणमूल में, इस बार वोट कमल फूल में। भाई और बहनों, 10 साल तक दीदी ने बंगाल को भेदभाव और पक्षपात वाली सरकार दी है। हालत तो ये है कि स्पोर्ट्स क्लबों खिलाड़ियों तक की मदद में भी दीदी ने भेदभाव किया। जो स्पोर्ट्स क्लब दीदी का गुणगान करें, उनके गीत गाएं, उन्हें पैसा, जो खेल पर अपना ध्यान दे, बंगाल का नाम रोशन करे, वो स्पोर्ट्स क्लब यहां पैसों के लिए तरसते हैं। दीदी की इसी दुर्नीति की वजह से बुजुर्गों को मिलने वाला भाता तक सभी लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। गांव की सड़क को भी दीदी की सरकार ने राजनीति का शिकार बना दिया। मनरेगा की मजदूरी हो या फिर आपदा की राहत हो, दीदी की सरकार ने सब में भेदभाव किया, पक्षपात किया। आपको 3 साल पहले की रामनवमी याद है? आसनसोल रानीगंज के दंगे कौन भूल सकता है? इन दंगों में सैकड़ों लोगों के जीवन भर की मेहनत राख हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का हुआ, पटरी पर दुकान लगाने वालों और छोटे व्यापारियों का हुआ। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? पूरी ताकत से बोलिए, पता चले देश को। दंगाइयों का साथ किसने दिया? दंगाइयों का साथ किसने दिया? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? तुष्टीकरण की नीति किसने पनपाई? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? किसके कारण पुलिस दंगाइयों के पक्ष में खड़ी रही? एक ही जवाब है ना। हर कोई कह रहा है दीदी के कारण, दीदी के कारण, दीदी के कारण। भाई और बहनों, जो विकास पर विरोध को, विश्वास पर प्रतिशोध को, सुशासन पर राजनीति को प्राथमिकता देती है, ऐसी सरकार पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती। इसलिए बंगाल को आशोल परिवर्तन चाहिए, आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। बंगाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए आशोल परिवर्तन, बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए आशोल परिवर्तन, बंगाल में कानून के राज के लिए आशोल परिवर्तन, बंगाल की भलाई के लिए। साथियों, दीदी के राज में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है,
उसकी चर्चा तक दीदी ने नहीं होने दी। राज्य सरकार के आंकड़े छिपाकर महिलाओं पर अत्याचार की खबरों को दबाकर दीदी ने सबसे बड़ा खेला बंगाल की महिलाओं के साथ ही किया है। मैं आज विशेष रूप से बंगाल की बहन बेटियों को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं, बीजेपी की सरकार हर वर्ग, हर मत मजहब को उसकी बेटी की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करेगी। दीदी की सरकार ने यहां रैप जैसे संगीन अपराध के दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पर अड़ंगा डाला, उसको रोक दिया। देश भर में ऐसी 1000 अदालतें खोली जा रही हैं, लेकिन दीदी ने बेटियों को न्याय दिलाने वाली ऐसी एक अदालत, एक भी अदालत खोलने नहीं दी। बीजेपी सरकार में फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी तेजी से निर्माण किया जाएगा। गरीब, दलित, आदिवासी बेटियों को यहां से दूसरे राज्यों में भेजने का जो अवैध काम किया जाता है, उस पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथियों, सोनार बांग्ला का यही संकल्प बंगाल बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। बंगाल में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाया जाएगा। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रोड, रेल, एयर, इंटरनेट, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को डबल इंजन सरकार डबल स्पीड के साथ आधुनिक बनाएगी। इस क्षेत्र को आर्सेनिक युक्त जहरीले पानी से मुक्ति मिले, इसके लिए पाइप से हर घर जल के प्रकल्प को तेजी से यहां पर लागू किया जाएगा। दीदी ने जो कुछ भी लाभ आप तक पहुंचने से रोका है, वो तेजी से मिलेगा। डबल इंजन की सरकार में डबल बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ए बार सौगात नय सहयोगिता होवे, ए बार विरोध नय विकास होवे, ए बार मने भय नय पेटे भात होवे, ए बार शिक्षा होवे, शिल्प होवे, कर्म संस्थान होवे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।